दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, कृपया इसका उपयोग न करें, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अभी देखिएगा बहुत ही जबरदस्त चमत्कार अंदर बाहर जुआ जीतने का, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ये ताश की गड्डी है, इसको अच्छे से फर्री मार दीजिए, सफल कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस ट्रिक को सीखने के लिए, इस ट्रिक को समझने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए ऐसे कट कर देते हैं, अंदर बाहर में कोई भी कहीं से भी पत्ती आप निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो कौन सी पत्ती है? सत्ता की। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ये सत्ता की पत्ती आई है, ठीक है। अभी आप देखिएगा 100 में 100% ये सत्ता की पत्ती अंदर आएगी। कैसे आएगी वो सारा कुछ ट्रिक और ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएंगे। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी। चलिए इसमें नहीं, अब इसमें आप देख लीजिए कि सत्ता की पत्ती अंदर किस तरह आ रही है और अंदर ही आएगी 100 में 100%। वाह सुपर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा अंदर बाहर जुआ जीतने का बहुत ही तंत्र मंत्र द्वारा सिद्ध किया हुआ टोटका। जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो में देखा होगा कि किस तरह मैंने ट्रिक को बताया है, किस तरह करके बताया। तो कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छे से आपने बताया और 100% वर्किंग ट्रिक है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिया है, उसी तरह आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर जो आप अंदर बाहर जुआ खेल रहे हैं या फिर तीन पत्ती खेल रहे हैं या फिर कटपत्ता खेल रहे हैं या फिर मांग पत्ता खेल रहे हैं, जुआ में कोई भी प्लेइंग कार्ड या कोई भी ताश की गड्डी हो गई, चाहे प्लास्टिक का चाहे नॉर्मल कार्ड, कोई भी किसी के हाथ में आप गड्डी दे रहे हैं, असफल कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। क्योंकि यह ऐसा तंत्र मंत्र सिद्ध किया हुआ टोटका है जिससे आप चमत्कार पे चमत्कार कर सकते हैं, पैसों की बरसात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए, नए हैं, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा। और एक बात और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, जो भाई लोग जुआ ताश नहीं खेलते हैं कृपया इस वीडियो को ना देखें, और जो लोग इसकी लत लग चुकी है जुआ ताश खेलने में दोस्तों, ये मैं बता दूं केवल आप लोग के एजुकेशन पर्पस टाइम पास के लिए बता रहा हूं और बना रहा हूं, ठीक है। कृपया आप लोग इसकी बुरी लत ना लगाएं, इसमें धन दौलत खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ आप हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग केवल इसके टाइम पास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सादा पेपर लेना है, ठीक है, सादा पेपर लेना है। और वो कौन सा पेपर होगा? भोजपत्र। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था भोजपत्र दोस्तों, वो भोजपत्र आता पंसारी की दुकान पे या बड़ा किराना स्टोर पे, वहाँ पे आपको भोजपत्र 10 रुपये में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों आपको इसमें अनार की डालियों से नहीं लिखना है, इसमें केवल आपको शाही का जो काटा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि शाही एक जीव होता है, ठीक है, तो आपको शाही के कांटे से या फिर मोर पंख से इसको लिखना है। अगर जो आप शाही के कांटे से इस पर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा वह वर्किंग ट्रिक करेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले प्रयोग करने से पहले इन बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किस चीज़ का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह सत्ता की पत्ती मैंने मारी और 100% अंदर आई, उसी तरह आप भी कर सकते हैं चाहे कहीं भी खेल रहे हों। तो आपको ऐसे पहले बना लेना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे पहले बना लीजिए। बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको एक ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और एक ऐसे, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, दो लाइन खींचना है, ठीक है, मात्र दो लाइन, ठीक है, और आपको इधर से भी दो लाइन खींचना है। अभी आप ध्यान से समझिएगा, आपको और अच्छे से बढ़िया से बनाना है, आपको डिजाइन अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या लेना है, ये रंग लेना है।
और रंग में गंगा जल का मिश्रित होना चाहिए दोस्तों। बिना गंगा जल का ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ शाही का कांटा या मोर पंख के डाली से जो उसकी टहनियाँ होती हैं, जो उसकी लकड़ी होती है, उसी को आपको कलम जैसा बना के इसमें ऐसे बोर के आपको लिखना होगा, तभी यह 100% ट्रिक कार्य करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है अभी आप ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको सिद्ध कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको पहले ये बना लेना है इधर ऐसे करके, ठीक है, ये बना लेना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 786। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी आपको परिपूर्ण रूप में मिलेगी। और जो भी आप ट्रिक बताएंगे 100 में 100% वो पत्ता अंदर ही आएगा, आप ही जीतेंगे, आप कभी हारेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ओम बनाना है, ठीक है, ओम। फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्या, श्री, आप देखे होंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे 786, फिर यहाँ पे आपको श्री, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ये बनाना ओम, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 786। दोस्तों ध्यान से देखिएगा बहुत ही बारीकी से, फिर यहाँ पे आपको इस तरह यह खड़ाव बना लेना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और आप लोग, मैं दोस्तों ये कहता हूँ कि अगर जो ये तंत्र मंत्र टोटका आप सीख जाते हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी ताश में हरा नहीं सकता, चाहे तीन पत्ती हो, चाहे अंदर बार हो, चाहे कटपत्ता हो, चाहे कोई भी गेम हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे क्लब हो, चाहे कसिनो हो। अब इसको सिद्ध कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जब आप लोग इसको ये लाल रंग से या फिर शाही के कांटे से और या मोर पंख से इसको ऐसे इंक बना के आप लोग बना लेते हैं, लिख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ देना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक है और 100 में 100% दोस्तों वर्क करेगा। वर्क नहीं करेगा तो आप प्यारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई ये ट्रिक वर्क नहीं किया, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दोस्तों दिवाली नज़दीक आ रही है, इसमें अच्छा अच्छा टोटका मैं बताऊँगा, अच्छा अच्छा तंत्र मंत्र सिखाऊँगा, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको एक यहाँ पे रक्षा सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये जो लिखने के बाद आप एक मार्केट से रक्षा सूत्र लाएंगे, कलाई वाला जो 5 रुपये का मिलता है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ये वाला रक्षा सूत्र, इसको लेना है, ठीक है। और इसको लेने के बाद पूरा जो रक्षा सूत्र है इसमें आपको लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको दोस्तों 121 बार आपको नाम लेना है, क्या नाम लेना है आप ध्यान से समझिएगा, 121 बार, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। मैं शिव जी से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन आप सच्चे मन से सच्चे दिल से इस ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और पूरा रक्षा सूत्र लपेट देंगे 121 बार। और कहाँ करना है, पीपल की छांव में जाके आपको दोस्तों रात में जाना है, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन रात में जाना है, ठीक है, 12 बजे रात को आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, आपको बैठ के 121 बार जितने बार ऐसे आप लपेटेंगे उसी तरह 121 बार आपको ओम नमः शिवाय करते जाना है, और फूंक मार के दोस्तों उस पीपल से टच करके फिर आपको इसको अपने पॉकेट में या जेब में आपको रख लेना है, ठीक है। अब उसको करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जहां भी जाएंगे इसको लेके जाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों जिस जगह पे खेलेंगे, जिस भूमि पे खेलेंगे, जिस क्लब कैसीनो में खेलेंगे, वहां पे इसको आपको टच करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका चमत्कार देखिएगा, अगर जो आप काम नहीं किया तो दोस्तों आप प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा चैनल में जो भी व्यूज है लाइक डिसलाइक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये ताश की गड्डी है दोस्तों, आपको मैंने दिखाया था शुरू होते ही, मेरा वीडियो जैसे ही प्ले किए होंगे सत्ता की पत्ती अंदर आई थी, उसी तरह दोस्तों आप चाहेंगे तो कोई भी पत्ती अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अच्छे सफल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे।